उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार ली डायमंड में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने 126 दिव्यांग लोगों को मोटर ट्राई साइकिल अपने सांसद निधि फंड से वितरण की। मनोज तिवारी का कहना था कि जो दिव्यांग महिलाएं और जेंट्स हैं वे हाथ की साइकिल लेकर चलाते थे, जिससे कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने मोटर ट्राई साइकिल देकर उनके जीवन में खुशियां भर दी। मनोज तिवारी का यह भी कहना था कि अभी तो दिव्यांग महिलाओं को मोटर ट्राई साइकिल दी गई है, आने वाले समय में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उन्हें रोजगार मिल सके और वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। देखिए, मैं बहुत ही खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जो विकलांग शब्द को उन्होंने दिव्यांग कहा और दिव्यांग कहने के बाद उनको दिव्यता देने की कोशिश की। अब आप देखिए, जिस गाड़ी को आज हम दे रहे हैं वो मोटर ट्राईसाइकिल है, उसमें वो बैटरी से चलती है और उस बैटरी का भी इतना अच्छा उसका पावर है, लोग अपने हाथ से खुद चला करके अपने जीवन को दौड़ा सकते हैं। और मैं जब जब हम लोग दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल लेने की बात करते हैं, ट्राईसाइकिल मोटरसाइकिल मिले, अब उनको मोटरसाइकिल मिली और स्पेशल डिजाइन्ड बाय आप नरेंद्र मोदी, और वो आज में 126 लोगों को दे करके जो खुशी मुझे मिल रही है, पूरे सारे जीवन में इतनी खुशी कभी नहीं मिली जो आज 126 मोटर ट्राईसाइकिल दे करके। एक हम लोगों ने एक कैंप लगाया था जिसमें जो जो लोग आ गए थे उनका लिस्ट में ला करके हम उनको दे दिए। अब फिर जो बच गए हैं वो फिर हमारे ऑफिस में लगातार चल रहा है। हम अगले 6-8 महीने तक इस कार्य को लगातार करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी मोटर ट्राईसाइकिल हमने बहुत संख्या में तैयार करना है। और इस बात को हम सैल्यूट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी लगातार इस सब्जेक्ट को अपने ध्यान में ले रहे हैं और हम इनको कुछ शौक दे करके कुछ जो इनकी जिस फील्ड में योग्यता हो सकती है हम उनको भी एक जो सबका साथ सबका विकास, शोषित पीड़ित जब ये बातें होती हैं तो ये सिर्फ वर्ग से सभी लोग हैं और सब एक समान मंच पे काम पाए, इसके लिए हमारी लगातार कोशिश कर रहे हैं और इनकी समस्याओं को हम लोग यथाशीघ्र दूर कर रहे हैं। और जो लोग अभी मिले भी हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी भावनाओं को, उनको भी काम दिया। एक राष्ट्रीय वरिष्ठ लोगों को जो 60 साल से ऊपर, तो उन लोगों के लिए कान की मशीन और कान के मशीन की बैटरी हो, वैसा की ये जो छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है, चश्मा हो, अब वो सारा कुछ निःशुल्क उनको हम लोग देने जा रहे हैं। हमने आज कहा कि हमारे सांसद के कार्यालय में वो किसी भी तरह से अपनी जानकारी पहुंचाए, हम उनको सामान मंच के माध्यम से मनोज तिवारी ने एक और घोषणा की। मनोज तिवारी का कहना था कि 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को मनोज तिवारी जी की तरफ से फ्री में व्हीलचेयर, कान की मशीन और तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि सीनियर सिटीजनों के लिए दी जाएंगी। इसकी घोषणा करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उनके दफ्तर यमुना विहार में आकर 60 साल से ऊपर के लोग अपना फार्म जमा करा सकते हैं और जल्द से जल्द उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
सिटी न्यूज दिल्ली के लिए गोविंद सागर की रिपोर्ट।